हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि मेंटेनेंस नहीं देने पर क्या होगा, उसका अंजाम क्या, आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है अगर आप जो है मेंटेनेंस जो है नहीं देते हो। ऑर्डर हो जाता है कोर्ट से और उसके बाद जो है आप मेंटेनेंस जो है उसका कंप्लायंस नहीं करते, ऑर्डर का जो है आप कंप्लायंस बिल्कुल नहीं करते और बिल्कुल ही जो है पेमेंट नहीं करते वाइफ को जो ऑर्डर में लिखी हुई है। देखिए, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है जब भी मेंटेनेंस का ऑर्डर पास होता है। अभी जो रजनेश वर्सेस नेहा की जो जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो ये है कि आपको जो है डेट ऑफ एप्लीकेशन से जो है पेमेंट करनी है। डेट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब ये हुआ कि आपको जो पेमेंट अब करनी होगी मेंटेनेंस की, वो जब से वाइफ ने जो है एप्लीकेशन डाली है। सपोज इंटरिम मेंटेनेंस फिक्स करने में 2 साल का वक्त निकल जाता है और 2 साल का वक्त में कोर्ट जो है 10,000 रुपये पर मंथ आपके ऊपर मेंटेनेंस बांध देता है, यानी 2,40,000 रुपये के तो आपके ऊपर एरियर्स खड़े हो जाएंगे जैसे ही वो ऑर्डर पास होगा। और उसके बाद जो है आपको मंथली जो है मेंटेनेंस वाइफ को देनी पड़ेगी जब तक केस चल रहा है। तो ये तो इंटरिम मेंटेनेंस की बात हो गई। ऐसे ही फाइनल मेंटेनेंस में भी सेम चीज होती है, तो जो भी अमाउंट होगा उसके एरियर्स होंगे और उसके बाद जो है आपको जो है मंथली अमाउंट जो है पे करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि अब आपके पास एक ऑप्शन ये रहेगा कि आप उस ऑर्डर की रिवीजन या अपील डालिए। अब रिवीजन और अपील में भी अगर आपको उस ऑर्डर पे स्टे चाहिए तो कम से कम 50% तो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा अमाउंट हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में, और तभी आपको जाके, वो भी हर केस में नहीं मिलेगा, कभी हाई कोर्ट रिफ्यूज भी कर देता है। आप अगर ऑफर देंगे वो रिफ्यूज भी कर देगा, पर कई केसेस में दे भी देता है स्टे। मेरी पिछली वीडियो में मैंने ये चीज कवर की हुई है। पर अगर जो है आपने कहा कि जी मेरे को तो बिल्कुल अमाउंट देना ही नहीं है वाइफ को किसी भी हालत में, तब क्या होगा, आपकी वाइफ जो है कोर्ट में एग्जीक्यूशन फाइल करेगी। अब एग्जीक्यूशन की जो प्रोसीडिंग्स होती है वो अलग प्रोसीडिंग चलेंगी और जो आपका मेन केस होगा वो अलग चलेगा। कई कोर्ट्स में ऐसे अलग अलग होता है, कई कोर्ट्स में इकट्ठे ही चलता है केस के साथ, वो डिपेंड करता है कि आप किस ज्यूरिसडिक्शन में है। तो यहाँ पे जो है वाइफ ने जैसे ही एग्जीक्यूशन डाला, कोर्ट आपको नोटिस तलब करेगा। कोर्ट आपसे पूछेगा कि आप जो है इसका रिप्लाई दीजिए, रिप्लाई और 2-3 अपॉर्चुनिटीज आपको देगा कि आप जो है पेमेंट कीजिए। 2 से 3 अपॉर्चुनिटी देने के बाद भी अगर आपने पेमेंट नहीं की है तो एज पर रजनीश वर्सेस नेहा की जो जजमेंट है उसमें जो है मेंटेनेंस का जो ऑर्डर है वो मनी डिग्री के हिसाब से जो है एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब मनी डिग्री में जो है सीपीसी में सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो अडॉप्ट होगा और उसमें जो है अभी ये प्रोविजन है कि कोर्ट जो है आपके जो है मूवेबल एसेट्स अटैच करेगा, आपकी जो है सैलरी जो है वो भी अटैच हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है यानी कोई भी प्रॉपर्टी आपके पास लैंड है फ्लैट है वो तक अटैच हो सकता है, बैंक अकाउंट जो आप मेंटेन कर रहे हैं वो भी अटैच हो सकता है। पांचवी चीज ये है कि कोई भी जो आपके अननोन एसेट्स हैं जो आपने कोर्ट के सामने नहीं रखे और वाइफ ने जो है अपने एफिडेविट में ये कहा कि ये भी आपका है, जासूस लगा के अगर पता चल गया वाइफ को तो वो चीज भी अटैच हो सकती है। तो कोई भी जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है यानी कोई भी वैल्यू वाली चीज है वो जो है कोर्ट अटैच कर सकता है। वो जब अटैच करेगा उसे जो है मार्केट वैल्यू पे सेल करके जो है अमाउंट रिकवर कर सकता है कोर्ट। खैर, ये तो बहुत ही एडवांस स्टेजेस पे होता है अगर आप बिल्कुल ही नहीं पे करते हो मेंटेनेंस का अमाउंट। यदि आप जो है ये एक मिडिल पाथ जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट कोर्ट को दे देते हो और कोर्ट को थोड़े से बोनाफाइड लगते हैं आप में, तो ये चीज जो है जो मैं आपको बता रहा हूँ अटैचमेंट, वो जो है डिले हो सकता है, वो कम से कम 1-2 साल और डिले हो सकता है। तो आपको बहुत टाइम मिल जाएगा अपील कंटेस्ट करने के लिए या फिर जो है रिविजन कंटेस्ट करने के लिए हायर कोर्ट्स में। पर अगर आप बिल्कुल ही नहीं देते तो हायर कोर्ट्स में भी अपील और रिवीजन के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे, आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा हायर कोर्ट्स में भी, क्योंकि आपकी कोई बोनाफाइड ही नहीं है ऑर्डर को कंप्लायंस करने के लिए। या बोनाफाइड का मतलब ये होता है कि आपकी इंटेंशन खराब है, आप जो है नहीं देना चाहते पैसा बिल्कुल भी जो भी ऑर्डर हुआ है, तो कोर्ट जो है एडवर्स ओपिनियन रखेगा आपके ऊपर और कोई भी रिलीफ नहीं देगा। डिजर्विंग केसेस में भी ऐसा कोई रिलीफ आपको नहीं मिलेगा, तो ये चीज का ध्यान रखिए।
अब अगर आपकी इंटेंशन है थोड़ा बहुत देने की, तो मैंने आपको जैसे बताया तो 1 या 2 साल जो है आप और एक्सटेंड कर सकते हैं एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। और एंड में मैं यही कहूंगा, जो भी ऑर्डर हुआ है उसको कंप्लायंस करना ही पड़ेगा आपको, अनलेस वो जो ऑर्डर है सेट असाइड नहीं होता या मॉडिफाई नहीं होता, तब तक आपको जो है कंप्लायंस करना ही पड़ेगा, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग चलती रहेंगी। और आप जो है कुछ ना कुछ अमाउंट अगर आप देते रहेंगे तो कुछ आपको जो है रिलीफ वहां पे मिल सकता है। अगर आपने कहा सोचा कि मैं बिल्कुल ही नहीं दूंगा, चाहे कुछ हो जाए मैं 1 रुपया नहीं दूंगा अपनी वाइफ को एज अ मेंटेनेंस, बच्चे को मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, तब कोर्ट क्या करेगा? तब कोर्ट आपके ऊपर जो है पहले तो अटैचमेंट करेगा, सैलरी वगैरह बिजनेस ये सब चीजें देखेगा। अगर आपके एसेट्स भी नहीं है और वाइफ पता नहीं कर पाती आपके क्या एसेट्स हैं, और आप कोर्ट के सामने भी नहीं रखते एफिडेविट पे कि आपकी ये एसेट्स हैं, तब जो है कोर्ट आपके को जो है सिविल प्रिजन में भी भेज सकता है। 30 डेज का जो है ये ऑर्डर कर सकता है सिविल प्रिजन का, और ये जो है एक्सटेंड होता रहेगा विद ईच डिफॉल्ट, क्योंकि आप बिल्कुल पे नहीं कर रहे हो तो वो फिर एक्सटेंड हो जाएगा। अगर आप पैसे ला के रख देते हो तो वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो सिविल प्रिजन जो है मैक्सिमम जो है कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, सिविल इम्प्रिजनमेंट मिनिमम जो है मैक्सिमम जो है 30 डेज का जो है आपको देगा, फिर वो ऑर्डर रिव्यू होगा और फिर 30 डेज वो बढ़ता जाएगा। तो आप तब तक जेल में रहेंगे जब तक जो है आप पूरा का पूरा अमाउंट जो है या कुछ अमाउंट आप देना शुरू नहीं कर देते, क्योंकि कोर्ट्स को जो है वो ये देखते हैं कि आपके बोनाफाइड क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है कोर्ट के सामने, क्या आपको ऑर्डर का कंप्लायंस करना है या नहीं करना है, यही जो है कोर्ट देखता है। अगर कोर्ट को लगता है कि आपका कोई इंटेंशन नहीं है पैसा देने का, तो कोर्ट जो है सिविल प्रिजन तक भी पहुंच सकता है। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।